जगह विधानसभा का प्रचार यंत्रणा और रणधुमारी जोरों पर चल रही है। जमजम न्यूज इंडिया चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल सोलापुर में मध्य विधानसभा क्षेत्र के मैदान में बड़ी घमासान होते नजर आ रही है। ऐसे मामले में यहां पर हमारे सोलापुर शहर के एक जुने कार्यकर्ते समाज सेवक अख्तर मन्यार, सबसे पहले सीपीएम ये पार्टी में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने बहुत सालों तक इस पार्टी में कार्य करके फिर वहां से वे कांग्रेस पार्टी में चले गए। अब कांग्रेस पार्टी में से निकलकर अब वो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी यमायम पार्टी में प्रवेश किया है। इसके मुताबिक कि वो अपने दो शब्द जनता के सामने बोले। अख्तर मन्यार साहब, आप मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश किया है और ऐसे वक्त में प्रवेश किया है जो विधानसभा का चुनाव का माहौल तैयार हो रहा है और मजलिस में प्रवेश करने की वजह मैं जानना चाहता हूं आपको। सबसे पहले तो मैं जमजम न्यूज चैनल का शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे ख्याल जानने के लिए मुझसे रब्ता किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने का इरादा, उसकी सबसे बड़ी वजह पिछले 10 सालों में यमायम पार्टी के लिए जो जातिवादी पार्टी है और वोट वोट कटवा पार्टी है, ऐसा सेक्युलर पार्टियों की तरफ से कहा जाता था। जिस पार्टी में कांग्रेस में मैं काम करता था वहां भी यही कहा जाता था और 10 सालों में यही बात हमारे जहनों में बिठाई गई थी कि ये बीजेपी की बी टीम है, फला है फला है। लेकिन इन 10 सालों में कई मामला ऐसे होते गए, खैरलान जी का प्रकरण हो या फिर गवश हत्याबंदी का मामला हो या नजीब का मामला हो या फिर रोहित वेमुला का मामला हो, इन मामलात में या फिर हमारे नौजवान मुस्लिम बच्चों को जो एटीएस वाले सोलापुर से उठाकर लेकर गए थे उनके इलीगल इनकाउंटर का मामला हो, तो वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति आवाज उठाती थी जिनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैस, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां सेक्युलर कहलाती हैं। वो पार्टी इस विषय में, इस मामले में एक जुमला भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। ये सारी चीजें 10 सालों में हमने इस पर गौर फिक्र किया कि भाई अगर जातिवादी पार्टी है तो रोहित वेमुला के लिए क्यों आवाज ये पार्टी उठा रही है। जातिवादी पार्टी है, जेएनयू के विद्यार्थियों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उस पर ये असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी क्यों आवाज उठा रही है, जबकि जिनको आवाज उठानी चाहिए वो तमाशा देख रहे हैं। आज कई बेकसूर जेएनयू के विद्यार्थी जो सीएएनआरसी के लिए लोगों के लिए बाहर आए, जो बहुजन समाज के लिए बाहर आए, वो बेकसूर जेलों में सड़ रहे हैं। उनके लिए आज सेक्युलर अपने आप को कहलाने वाली कोई पार्टी आवाज नहीं उठाती, सिर्फ एक ही बंदा आवाज उठाता है जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी। और सबसे बड़ी हालिया माहौल में जो बात हुई या जो घटना घटी, जो हादसा हुआ, उसे हादसा नहीं कहेंगे, मुस्लिम समुदाय के वर्ग को, आलम इस्लाम को चोट पहुंचाने के लिए जो एक महाराज ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, रामगिरी महाराज ने जो गुस्ताखी की, उस गुस्ताखी के जमन में चाहे वो कांग्रेस का मुसलमान हो, कोई मुसलमान, ये पार्टियां तो बात की है, उनका खून खोलना चाहिए। एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट को देने के लिए कि भाई जिनको रहमतुल्लाह आलमीन मन बना के अल्लाह ने दुनिया में भेजा, इंसानियत का पैगाम जो लेकर आए, जमहूरियत जो लेकर आए, हमारे आका की शान में गुस्ताखी करने वाले इस नपुंसक को, इस नहुसत भरे इंसान को सबसे पहले सलाखों के पीछे डाला जाए। तो ये दूसरी कोई सेक्युलर पार्टियों से एक जुमला भी कहा नहीं गया। फासिज्म ताकतों के सामने डर के खामोशी इख्तियार करके बैठे, सिर्फ एक वाहिद बंदा है असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी के लोग औरंगाबाद से आवाज बुलंद करते हैं और मुंबई में विधानसभा को धड़क लगाते हैं, पुरअमन एहतजाज के जरिए एक पैगाम दुनिया को देते हैं, महाराष्ट्र को देते हैं, इस मुल्क को देते हैं। यही वजह है कि हमको ये पार्टी जातिवादी लेने लगी, इससे बढ़कर तो सेक्युलर कोई पार्टी मुझे लगती नहीं है। इस वजह से मैंने सोचा कि भैया नाम निहाद
सेक्युलरिज्म चलाने वाले लोग जो 10 सालों से इस पार्टी को जातिवाद जातिवाद और वोट कटवा पार्टी कह रहे थे, पिछले 5 महीने के लोकसभा में इन्हीं के दरवाजे पर जा करके आपने इनसे मदद मांगी और इन्होंने आपकी बात को फासिज्म ताकत को रोकने के लिए, जुल्म और बर्बरियत को रोकने के लिए, धोखेबाजी को रोकने के लिए, जो 10 साल से एक राक्षस केंद्र में बैठा हुआ है उसको रोकने के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों ने काम किया और आज आपको वो जातिवादी और वोट कटवा लग रहा है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें एमआईएम की चल रही हैं आज विधानसभा चुनाव के लिए? 14 सीटें कुल मिलाकर विधानसभा की आज महाराष्ट्र में चल रही है, चुनाव लड़ रही है, आपको वो वोट कटवा और जातिवाद लगती है? तो जब एहतजाज जो मुंबई के लिए इम्तियाज जलील के नेतृत्व में पहुंचा था, उसकी मदद के लिए, उसको साथ देने के लिए हिंदू भाई भी आगे आए थे, तो ये देश, ये मुल्क गंगा जमुना तहजीब पर चलने वाला है, ना कि गोडसे और सावरकर के विचारों पर चलने वाला है। इसलिए एमआईएम पार्टी के अंदर हमने इस बार शमूलियत करने का फैसला किया और उस पार्टी का साथ देने का फैसला। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अख्तर मन्यार, परिणीति शिंदे जो यहाँ की सांसद है, इनके बहुत नजदीक माने जाते हैं आप, जबकि रामगिरी महाराज का हो या मुस्लिम अल्पसंख्यक के जो भी प्रश्न हो, तो आपके सांसद परिणीति शिंदे के पास ये मुद्दे क्यों नहीं भेजे आपने? सबसे पहली बात तो 2014 के बाद मुसलमानों को और अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की तरफ देखने का नजरिया उनका चेंज हो गया। इसका आज की जो सांसद है परिणीति शिंदे का, तो उनका नजरिया बदल गया है और जो 2009 में उन्होंने चुनाव जीता था वहां से 2014 तक उनका मामला बहुत सही था। हर समाज के, किसी समाज में वो उस वक्त भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन जैसे 2000 के चुनाव में एमआईएम पार्टी की एंट्री हुई और मुस्लिम अक्सरियत जो है एमआईएम की तरफ गई वोटिंग, और उस वक्त हमको भी काम करने में दिक्कतें आई क्योंकि वो पार्टी नहीं थी और लोगों में जज्बा वलवला था कि हमारा भी एक नुमाइंदा असेंबली में जाना चाहिए। लोकशाही है, हिंदुस्तान एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, तो यहाँ हर किसी को अपने इजहार राय, अपने वोट का हक अदा करने का हक है, अपनी पार्टी, अपना नुमाइंदा चुनने का हक है। इसलिए जो भी इलेक्शन के माहौल में मुद्दे, मसाइल, सवालात, जवाबात हुए होंगे, जब आप चुन कर आते हैं तो आप किसी एक विशेष धर्म समुदाय के नहीं होते, आप सर्वधर्म संभव को होते हैं, तो आपको उन सारी चीजों को, जो भी उस वक्त माहौल हालात हुए होंगे, उनको भुला करके, सबको अपना करके, सबका साथ सबका विकास वाली जो झूठी दास्तान दिल्ली वाला बताता है उसको सच्चाई में बदलने का काम उस वक्त आपको मौका था, वो आपने नहीं किया। विकास के मामले में भी हमारे इलाके में जहां मैं रहता हूं, रोशन शाह दरगाह परिसर तेलंगे पाचापेट में, आपने 2 टर्म में 1 रुपए का भी फंड हमारे इलाके में विकास काम के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए नहीं दिया, जबकि हमने आपसे पत्र व्यवहार भी किया, आपको पर्सनली मिलकर भी बोला, जब मूलभूत सुविधा के मसले हल नहीं हो रहे, अब पार्टी पॉलिसी क्या है या फिर उनकी पॉलिसी विधायक होते हुए क्या थी, इसका इल्म नहीं है। यानी परिणीति शिंदे आपका कोई भी काम नहीं अंजाम दिया? नहीं दी। ऐसा क्यों? अब ये संशोधन का विषय है, इसका सवाल, इसका जवाब अभी आप कांग्रेस पार्टी में थे ना, थे, उसका जवाब ही नहीं मिला ना, वहाँ सवाल नहीं होते, जवाब नहीं मिलता। सवाल अगर ज्यादा आप तीखे करोगे तो आपको दरकिनार किया जाता है। आपको क्या बात कर रहे हैं? जी मैडम, हाँ मैडम बोलना पड़ता है। ये बर्दाश्त के बाहर हुआ तो 10 साल हमने देख लिया, उसके बाद उनको सलाम किया। अब जहां दीछे वाले की आवाज पर, आम आदमी की आवाज पर जो लोग निकलते हैं, उनके साथ जाने का हमने फैसला किया। एक मिसाल है, अभी आपके सामने लॉकडाउन का मामला है, बगैर बोले कि उस इंसान ने हर धर्म जाति के लोगों को जरूरत जिंदगी का सामान पहुंचाया। कौन सा इंसान? फारूक भाई शाब्दी, जो आज इस मध्य में अभी दूसरी बार उम्मीदवारी लेके खड़े हैं, एक उम्मीद पर लोगों के सामने वोट मांगने आ रहे हैं, एक आम आदमी का नुमाइंदा बोलकर वो असेंबली जाना चाहते हैं। तो आज मध्य के मतदार संघ के सभी मतदाताओं से, सभी जाति धर्म के बहुजनों से, मुस्लिम से मैं अपील करता हूँ कि सब चीजें छोड़ करके जहाँ कानून साजी होती है वहाँ एक अपने हक का, अपने परिवार का, जो हम में से है, जो अपने आप को हम में से है और हमारे बोलने से पहले हमारे हालात में, हमारे वक्त में पहुंचता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि फारूक शाब्दी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं यहाँ पर, है ना, तो ये शख्स आमदार नहीं रहते हुए, कोई पद न रहते हुए भी उन्होंने यहाँ की लोगों की मदद की है, उनके वक्त पर पहुंचा। तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आप प्रवेश करने के बाद आपको इस काम को कैसा अंजाम करेंगे? अभी
हमने सभी को देखा, हमने ताई को देखा, साहब को देखा, मास्टर को देखा, सबको देखा, आड़म मास्टर सबको देखा, सब ने वादे किए। अब इन्होंने तो 95 में आड़म मास्टर साहब ने बड़ा वादा किया था हमारे समाज को, हमारी कौम को, कि आप मुझे चुनकर लाओ, मैं जैसे ही चुनकर आऊंगा तो मुस्लिम समाज के लिए एक लेडीज गर्ल्स हॉस्टल बनाऊंगा। कौन बोले थे? आड़म मास्टर साहब। कब की बात है ये? 1995 के विधानसभा की बात। अच्छा, फिर आप उन्होंने निवड़ पाए क्या वहां से? उस वक्त वो चुनकर आए, चुनकर आने के बाद मुस्तकिल हमने उनसे तकादा किया, उनसे मांग की कि भाई ये वादा इलेक्शन में आपने किया था प्रचार के दौरान, इसीलिए समुदाय आपके पीछे आया, कब हमारा लेडीज मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल बनेगा? तो उनकी फिर वही उल्टी टांग शुरू हो गई कि जमीन की व्यवस्था आप करो, सरकार की तिजोरी से पैसा निकालने का काम मैं करूंगा, जबकि बात ये हुई थी कि सभी इंतजाम आप करेंगे और समाज को एक भेंट देंगे मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल की। तो 5 साल सिर्फ वादे चलते रहे। आप जगह देखो, मैं मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, उनका हमेशा का अंदाज समाज को, मुझे नहीं, समाज को, समाज के विषय पर वादा करके वादा खिलाफी किया और वो वादे को भूल गए। और आज उसी समाज के सामने अब 30,000 के घरों के मामले रुके हुए हैं, इसके लिए मुझे अंदर जाना है, उसकी हकीकत तो बहुत निराली है, इंशाल्लाह स्टेज पर उसका मैं चीरफाड़ करूंगा। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? बस इस बार सभी को देख लिया, ताई को देख लिया, साहब को देख लिया, मास्टर को देख लिया, सभी को देख लिया। आज एक इंसान लॉकडाउन की वैसी सूरत हाल में, आप लोग जब तकलीफ में थे, आप हर कोई बाप बेटे के करीब नहीं जा रहा था, माँ बेटे की तरफ नहीं जा रही थी, ऐसे नफसा नफसी के माहौल में वो इंसान वैसे दुख और तकलीफ में जरूर जाती है, जिंदगी का सामान लेकर आपके दरवाजे पर पहुंचा। एक बार इसको भी एक मौका देकर आप देखिए। सभी जाति धर्म के लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस बार 6 नंबर का निशान पतंग को वोट देकर बटन दबाकर आप भारी बहुमत से कामयाब करेंगे और एक हम में से, आम आदमी में से एक नुमाइंदा असेंबली भेजेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, ये थे हमारे सोलापुर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता अख्तर मन्यार, जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश किया है। यहाँ उन्होंने जो भी उनकी सत्यता हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में, उनके साथ जो सुलूक हो चुका है, उन्होंने ये सत्यता सामने रखा है। मैं यहाँ तक सीमित हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।